के सीरिया के बाद अब तजाकिस्तान की मदद करेगा भारत। पीएम मोदी ने लिया भूकंप की स्थिति का जायजा। अमित शाह बोले कांग्रेस जेडीएस वंशवादी। कर्नाटक की सभा में कहा एक तरफ मोदी की भाजपा, दूसरी तरफ राहुल के टुकड़े गैंग। शिंदे बोले भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय। शरद पवार ने कहा था भाजपा ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया है। येदुरप्पा का राजनीति से संन्यास। कहा भगवान ने शक्ति दी तो 5 साल बाद ही भाजपा को सत्ता में लाने के लिए जोर लगाऊंगा। संजय राउत बोले जो पीएम नहीं कर सके वो जावेद कर गए। सामना मैगजीन में लिखा वे सच्चे देशभक्त, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सम्मानित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को 5वां दिन है। वहीं आज भी सदन में सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि आज का भी दिन हंगामेदार हो सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा भी होगी। बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण को कट एंड पेस्ट अभिभाषण करार दिया और आरोप लगाया कि जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया है वो जमीन पर उतरी ही नहीं, सच्चाई से कोसों दूर है। विवादित बयान देने के चलते सुर्खियों में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एवं योगी सरकार में दर्ज प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा शेरवानी पहने जाने को लेकर तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अखिलेश यादव शेरवानी पहनकर आए या चड्ढी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है। नाम बताना पहले अपना। रेडी जी, मैं मोहम्मद ताहिर द्वारा माफी से। ये हेल्दियंस कलेक्शन खोला गया है और इसका उद्घाटन कराया है ठाकुर रघुराज सिंह, राज्य मंत्री श्री उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ पर थोड़ी रिक्वायरमेंट थी लैब की, तो वो हमने लोगों को रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये एक लैब का कलेक्शन सेंटर डाला है, जिसका के बहुत अच्छा रिजल्ट है। और दूसरी बात ये कि हमें थोड़ा सा इसमें ये भी देखना है कि गरीबों के लिए भी करना है। और इस लैब में मतलब किस तरह क्या-क्या जांचें की जाएंगी? इस लैब में टोटल सभी जांचें हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। देखिए, हेल्दियन लैब का आज उद्घाटन किया है और हेल्दियन लैब के माध्यम से जो जिन लोगों का जाँच जो ज़्यादा महंगी होती थी वो सस्ती होंगी, और इन्होंने एक अच्छा टाई अप कर रखा है, अच्छी मशीनों के साथ इनका काम होगा, जिससे कि गरीब लोगों को भी सुविधा आसानी से मिल सकेगी। और ये 12 घंटे के अंदर ही, जैसा मुझे बताया, 12 घंटे के अंदर ही इनको रिपोर्ट्स दे देंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अपना बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए गरीब लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं, तो उनको सुविधा प्राप्त हो जाएगी आपके माध्यम से। इसलिए मेरा बहुत बहुत हरदोई में मित्र पुलिस को शर्मसार करने का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हुए। इस वीडियो में हरदोई के मित्र पुलिस ऑटो वाले पर डंडे बरसा रही है। इसके साथ ही ऑटो में बैठा पुलिसकर्मी उसकी गर्दन को दबाता है और कई थप्पड़ जड़ देता है। किसी बात को लेकर यातायात पुलिस ऑटो चालक को दौड़ाती है, लेकिन वह भगाने का प्रयास करता है। बावजूद इसके पुलिसकर्मी घर में घुस कर ऑटो चालक की पिटाई करता है, जो कि यूपी पुलिस का चेहरा उजागर कर रहे हैं। बता दें कि शहर कोतवाली में हरदोई पुलिस की गुंडई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। खबर हरदोई से है, जहां पर पुलिस वाले की एक ऑटो चालक की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने ऑटो चालक का पीछा किया, फिर उसके घर में जाकर उसकी पिटाई की है, और ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरी खबर हरदोई से है।
अंबेडकर नगर में सांसद रितेश पांडे 11 फरवरी से पूरे लोकसभा क्षेत्र में पैदल जनसंपर्क कर अभियान चला रहे हैं। ये अभियान के तहत सांसद रितेश पांडे जिले के खजुराहट चौराहे पर पहुंचे। सांसद के खजुराहट चौराहे पर पहुंचने को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। सांसद प्रतिनिधि श्रवण दुबे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ 21 किलो की माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद रितेश पांडे ने क्षेत्रीय मुद्दों को सदन में उठाने की जनता को आश्वासन दिया। और यहाँ के मुद्दे हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपके गुशाईगंज बाजार में ही जो बाईपास जा रहा है उसमें तमाम लोगों की जमीनें जो है अभी गजेट बिना गजेट किए पार्क करने का प्रयास किया जा रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा है। उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन लोगों को इंसाफ मिलने का काम होगा। और उसी के साथ साथ यहाँ का जो हम लोग अभी आप देख रहे हैं ये बॉर्डर एरिया से ही गुजर, और इस एरिया से गुजरने पर हम लोगों को ज़मीनी हकीकतों से भी जानकारियाँ मिलती हैं। और जैसा कि अभी PWD की विभाग से बात हुई, कुछ अलीगढ़ में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते दो बेजुबान जानवर घोड़ियों के दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें जहां बारात चढ़ने के दौरान रास्ते के ऊपर होकर गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार घोड़ा बग्गी से स्पर्श कर गए, जिसके चलते घोड़ियों की मौत हो गई। वहीं दो घोड़ियों की मौत होने के बाद पीड़ित थाने पहुंचा और विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, साथ ही अपनी घोड़ियों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की। लखनऊ नगर निगम का सराहनीय कार्य सामने आई है, जहां नहर में गिरे गाय के बछड़े को देखकर राहगीरों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और नगर निगम को तत्काल इस बात की सूचना दी। वहीं सूचना पाते ही मौके पर नगर निगम दस्ता पहुंचा। समय को बर्बाद न करते हुए तत्काल प्रभाव से चंद मिनटों में गाय के बछड़े को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र में चूल्हे की चिंगारी से अचानक भड़की आग ने एक एक कर तकरीबन 86 घरों को अपनी जद में ले लिया। आग की ऊंची लपटें देख हर तरफ कोहराम मच गया। वहीं इस आग से कई मवेशी भी जिंदा जलकर मर गए, जबकि एक युवक झुलस गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। आग से लगभग 50 से 60 लाख तक का नुकसान होने की बात कही जा रही है। कटारी बिछिया का प्रकरण है, जो 3 बजे के बाद एक सतीश यादव का घर था, जिसे घर में से चूल्हे की आग से आग लग गई। उसके बाद उसी क्रम में लगभग उस गांव के 86 घरों में आग लग गई और इसमें कोई विशेष जनधन की हानि नहीं हुई है। एक बसंत कुमार को उनको हल्के जले हैं, वो CSC बिलग्राम में भर्ती हैं और बाकी स्त्री वहाँ कंट्रोल में है, वो पुलिस व्यवस्था से कायम है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।